स्क्वेयरिंग नंबर अबोव 50 एंड बिलो 75, एग्जांपल जैसे 52 का स्क्वेयर इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट सम ट्रिक या सम रूल्स अबाउट द स्क्वेयरिंग, ठीक है। फर्स्ट टेक, लेट्स टेक अ नंबर ऑफ स्क्वेयर से 52। मैंने एक नंबर लिया 52, सो स्टेप इन्वॉल्विंग अ सॉल्यूशन आर हियर। सो स्टेप वन में क्या करेंगे, फाइंड आउट द हाउ मच दिस नंबर इज ग्रेटर फ्रॉम दिस वैल्यू, मतलब 50 से, ठीक है ना। तो 50 से मैंने क्या करा, 52 को 50 से माइनस किया, तो आंसर मालूम पड़ेगा दो नंबर ज़्यादा ग्रेटर है 50 से, ठीक है। तो फर्स्ट, सो द फर्स्ट पार्ट इज 50 एंड सेकेंड पार्ट इज क्या होगा, 2, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, मतलब 50 को, 50 में से भी सबसे पहली जो वैल्यू उसको लेते हैं क्योंकि वो 5 है, और इसका क्या करेंगे, स्क्वेयर कर देंगे, और दिस इज 25, इट्स स्क्वेयर इज 25, इतना क्लियर हो गया। देन स्टेप थ्री, अब स्टेप थ्री में क्या होगा, आपने जो स्क्वेयर किया है 25 का, उसको किससे करना है, आपको जो सेकेंड पार्ट की जो वैल्यू है उस जो 2 है, मतलब इससे आपको क्या करना है, प्लस करना, मतलब 25 प्लस 2 मतलब 27, क्लियर है। 25 प्लस 2 इक्वल टू 27, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब अपना सेकेंड पार्ट की वैल्यू को देखना है, तो सेकेंड पार्ट की जो वैल्यू है उसको क्या करना है, स्क्वेयर करना है। तो टेकिंग स्क्वेयर ऑफ द सेकेंड पार्ट नंबर वी गेट 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 04, ठीक है। तो अब इट्स आंसर विल बी क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आया, एक आया है 04, ठीक है। अगर एक नंबर की वैल्यू आ रही है, एक एक डिजिट आ रही है, तो आपको उसका क्या करना, आगे जीरो लगाना है, ठीक है। और आगे क्या लिखना है, जो आंसर आया था 27, उसको आपको यहाँ लिखना है, तो 27 04, इट्स आंसर ऑफ दिस 52, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया, 72 का स्क्वायर लिया है, तो ये सबसे पहले फाइंड आउट करो कि ये वैल्यू 50 से कितनी ग्रेटर है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 72 माइनस 50 किया मैंने, तो हमको क्या मिला, 22 मिला। तो इसका मतलब मेरी, हमको दो वैल्यू मिल गई, फर्स्ट वैल्यू मिल गई 50, और सेकेंड वैल्यू क्या मिली मुझे, 22, ठीक है। मतलब हमको क्लियर हो गया कि हमारी जो वैल्यू है 50 से कितनी बड़ी है, 22 बड़ी है। तो स्टेप फर्स्ट, ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेकंड जो वैल्यू है उसको स्क्वेयर करता हूँ, मतलब 22 का जो है उसका स्क्वेयर करता हूँ, तो इसका कितना आएगा, 4 8 4 आएगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, ये जो लास्ट की जो वैल्यू आई है, मतलब तीन डिजिट वैल्यू है, 4 का क्या करना है, एज अ कैरी मानना है, बाकी 84 का क्या लिखना है हमको, यहाँ पे आप ऐसे बना दीजिए दो डैश, तो ये 84 को तो मैं यहाँ लिख दिया, ठीक है, ओके। और यहाँ पे 4 को एज ए कैरी मान लिया मैंने, ठीक है। अब स्टेप टू, ये क्या मेरी वैल्यू कैरी है, सी फॉर कैरी, ठीक है। स्टेप टू कुछ नहीं करना है, अब फर्स्ट वैल्यू लेते हैं 50 का, मतलब फर्स्ट में भी 50 में से भी 5 को लेंगे, मतलब इसको पिक करेंगे 5 का स्क्वायर, 25, क्लियर है। तो अब कुछ नहीं करना है, 25 तो आ गया, अब इसमें 25 में क्या ऐड करना है आपको, सेकेंड वैल्यू को 22 प्लस जो कैरी आया उसको, कितना होगा, 25 प्लस 22 प्लस 4, मतलब इसका आंसर होना चाहिए 51, ठीक है ना। तो अब ये जो 51 आया है, क्या करना है हमको, यहाँ पे लिखेंगे तो आंसर क्या होगा, 5184 होगा ऑफ दिस स्क्वायर। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया किस तरह से हमको ये स्क्वायर करना है, वैल्यूज है जो 50 से लेके 75 के बीच में आ रही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।